हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस विषय पर वीडियो लेकर आया हूं, तो मैं सबसे पहले उस वीडियो का नाम बताता हूं आपको। वीडियो का नाम है करोड़पति कैसे बने, यानी कि करोड़पति कैसे बने। मैं उससे पहले आपको बताता हूं कि जो लोग हमारे यहां पे करोड़पति हैं या अरबपति हैं या संसार के अंदर करोड़पति या अरबपति बने, वो किस तरीके से बने, उनके पास क्या फॉर्मूला था जिसकी वजह से वो करोड़पति या अरबपति बने। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि एक आम इंसान जो जिसके पास एक नॉर्मल तरीके की जो अर्निंग्स हैं वो भी किस प्रकार से करोड़पति बन सकता है। तो मैं आपको आज ये फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का आपको एक पार्ट पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो सामान्य अर्निंग के साथ भी करोड़पति बन सकता है वो कैसे बनेगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं, तो वो गाइडेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। तो इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो है मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये जो वीडियोस हैं किसी दूसरे के और काम आ सकती हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियो आपको भविष्य में भी मिलती रहें, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए जैसे ही मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करूं। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो यहां पर स्टार्ट करता हूं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, वारन बफेट, HDFC बैंक, ये लोग कैसे अमीर बने। देखिएगा, ये लोग रातों रात अमीर नहीं बने हैं। अमीर बनने का फॉर्मूला है, और अमीर बनने का फॉर्मूला आता है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ इनकम्स, यानी कि जो आप बचपन में पढ़ते थे स्कूल में चक्रवर्ती ब्याज, या जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते थे, वो वास्तव में अमीर बनने का फॉर्मूला है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो लोग हैं ये अमीर कैसे बने। देखिएगा, इनके जो इनकम्स थी या इनके पास जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की लंबे समय तक, और जिसकी वजह से ये अमीर बने। तो तीन मंत्र हैं, तीन चीज़ें हैं जो कि किसी भी तरीके से आपके जो निवेश है उसको प्रभावित करती है, आपकी अर्निंग्स किस तरीके की होंगी, भविष्य में आप अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इन तीन बातों पर निर्भर करती है। देखिएगा, सबसे पहली बात होती है कि जो भी आप अमीर बनेंगे उससे पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अमीर रातों रात नहीं बना जा सकता। क्योंकि देखिएगा, कौन बनेगा करोड़पति जो सीरियल आता था उसमें हो सकता है कि लोग कुछ सवालों के जवाब दें और करोड़पति बन जाए, लेकिन करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए पेशेंस की और समय की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अमीर बनने के लिए आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, किसी भी अगर आप वस्तु को तैयार करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अमीर बनने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि सबसे पहली बात है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको बताती है कि आप कितना अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा होगा तो आपकी जो रिटर्न्स होंगी वो कम होंगी, अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा तो आपकी जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगी। दूसरी बात मैं आपके साथ बोलूँगा, दूसरा है पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड छोटा है तो आपकी रिटर्न्स कम होंगी, अगर आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो आपकी रिटर्न्स ज़्यादा होंगी, आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। और तीसरी चीज़ है रेट ऑफ अर्निंग्स, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके आपके ऊपर कितना प्रतिशत वार्षिक रूप से या मासिक रूप से कमाएंगे, यानी कि जो पर एनम या मंथली इनकम्स आपको कितनी आएंगी उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो देखिएगा, मैंने आपके साथ तीन फैक्टर्स की बात की। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश की राशि। दूसरी बात मैंने बोली है आपको पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि समय अवधि जिसके लिए आप निवेश करेंगे। और तीसरी बात है रेट ऑफ अर्निंग्स, यानी कि जिस रेट से आप कमाएंगे। तो अब देखिएगा, अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा तो आप जानते हैं कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट आप इकट्ठा कर पाएंगे भविष्य में। अगर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट लंबा होगा तो जितना लंबा पीरियड आप देंगे उतना बड़ा आपका एक्यूमुलेशन होगा, उतना ज़्यादा आप धन संचय कर पाएंगे। और तीसरी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जितना बड़ा होगा उतना आपका फायदा। इसका मतलब है कि अगर ये तीनों चीज़ें बड़ी होंगी तो आपकी अमाउंट जो, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर तीनों चीज़ें आपकी बड़ी होंगी तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी जो रिटर्न्स होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। तो सिंपल सी बात यह है कि मैं आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि देखिएगा, अगर आप इसमें से किसी एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ को बढ़ाकर आप अपनी जो रिटर्न्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि मान लीजिएगा आपके पास पीरियड कम है, अगर मान लीजिए आप 40-45 साल या 50 साल की उम्र के हैं
और आपको पैसा अगले 10-15 साल के अंदर चाहिए, तो आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा करना पड़ेगा, और तो वहां पर आप कम पीरियड में भी अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है लेकिन आप 20 इयर्स के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ा पीरियड है, तो आप कम पैसे में भी बहुत बड़ा धन संचय कर लेंगे, तो वहां पर भी आपके पास बहुत ही घटा पैसा हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपकी अर्निंग्स कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपकी रेट ऑफ अर्निंग्स कम है तो आपके पैसे बहुत कम इकट्ठे होंगे, अगर आपकी रेट ऑफ अर्निंग्स अगर ज़्यादा होंगी तो आप बहुत पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके साथ यही बताना जा रहा था इस वीडियो में कि जब आप इन तीनों के ऊपर आप निवेश करेंगे तो आप किस तरीके से बड़ा पैसा बना पाएंगे। तो मैंने आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझाता हूँ। आप देखिएगा कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जस्ट एचडीएफसी बैंक का, कि एचडीएफसी बैंक अमीर कैसे बना। देखिए एचडीएफसी बैंक जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको पर्सनल लोन देता है जनरली 13% से लेकर 15% तक, और जो वो डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो देता है सेविंग के ऊपर 3.5% और जो एफडीज है उन पे 7-8%। तो जब वो इंटरेस्ट देता है तो उस पैसे को, इंटरेस्ट के पैसे को वो क्या करता है कि उसके बीच में गैप बनता है जिसको बोलते हैं स्प्रेड। तो वास्तव में वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है डिपॉजिटर्स के पैसे पर, उससे वो अमीर बनता चला गया, और उसने एक सावधानी बड़ी रखी कि उसके जो पैसे हैं वो डूबे नहीं मार्केट के अंदर, यानी कि जिन लोगों को उसने लोन दिया उसने वहां पर सावधानी बरती, इसलिए वो बैंक देखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के एंगल से। तो सिंपल सी बात क्या है कि जिन लोगों ने वो ईएमआई स्टार्ट की है वो लोग दिन पे दिन गरीब होते जाएंगे और जो बैंक है वो अमीर होता जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ईएमआई के थ्रू पैसा लेते हैं वो कितने बुरे तरीके से फंस जाते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ईएमआई नहीं लेनी चाहिए, बट मैं ये कहूँगा कि कंजम्पशन करने के लिए आपको लोन्स नहीं लेने चाहिए। आप बिजनेस के लिए या हाउसिंग के लिए इस तरीके के लोन्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन निर्वाह करने के लिए लोन ले रहे हैं और वो पैसा आपके लिए बाद में बहुत भारी पड़ता है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऐसे बताता है कि जो छोटा सा पैसा होता है, अगर आप, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर आप हर महीने 9,000 रुपये भी निवेश करें, 9,000 रुपये भी निवेश करें और उसको लगातार आप उसको निवेश को करते जाएं लगातार 40 सालों तक, यानी कि तो वो पैसा करीबन 23 करोड़ रुपये बनता है अगर आप किसी भी एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर वो पैसा डाल देते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो रिटर्न्स होती हैं वो, और जो पीरियड्स है और जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, ये आपके निवेश को बताते हैं कि आपका अमाउंट कितना होगा। तो इस वीडियो में मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से छोटी जो राशि है वो भी बड़े अमाउंट बनती है। मैं फिगर्स के साथ आपके साथ आऊँगा, कुछ फिगर्स लूँगा और मैं हिस्टोरिकली जो रिटर्न्स इंडिया की रही हैं या किस किस तरीके से आप निवेश करके इस तरीके से छोटी सी अमाउंट से करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं, ये बात मैं आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। Thank you for watching my video. Thank you very much.